सीहोर जिले से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में करीब 8 बजे मध्य प्रदेश शासन लिखे वाहन में से 3 बदमाश वैनगंगा नदी के पुल के ऊपर से आने जाने वाले चौपहिया वाहन को पत्थर मारकर जबरन उनके शीशे तोड़ रहे थे। यही नहीं, बदमाशों ने सड़क से गुजरने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। थाना प्रभारी नीलेश प्रतिदी ने बताया कि तीनों बदमाश नशे की हालत में थे, जिन्हें पुलिस और ग्रामवासियों की मदद से पकड़कर थाने में लाया गया। सिटीएन 12 से चंद्रशेखर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, छपारा। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि बुलेरो वाहन क्रमांक है MP22CA5807, इसमें 2-3 लड़के हैं जो शराब के नशे में हाईवे पे आने जाने वाली गाड़ियों को पत्थर या डंडे मार के फोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो इनको पुलिस और पब्लिक की सहायता से इन्हें पकड़ा गया और इन्हें थाने लाया गया। तो ये तीनों शराब के नशे में थे और शराब के नशे के कारण ये लोग गाड़ियों को तोड़ फोड़ रहे थे। और जिस संबंध में जिसकी गाड़ी टूटी टूटी थी, दो गाड़ियों के से इनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और इनका आरोपी गणों का मेडिकल किए गए हैं। और जो गाड़ी में MP शासन लिखा है बुलेरो वाहन को, उसको जब्त किया गया है। शेष उसके वाहन संबंधी वाहन मालिक के संबंध में तस्दीक की जा रही है। सर, ये पता लगा है चर्चा में कि कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं गाड़ी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक सब्जी काटने का छोटा सा चाकू था, कुछ ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला गाड़ी में। ये कहाँ से आ रहे थे सर? ये लोग बाहर जबलपुर सागर होते हुए यहाँ पर आए थे और ये लोग, इनका दो लड़के, चूंकि यही ये तीनों रिश्तेदार हैं आपस में, और ये लोग यहाँ सिवनी के रहने वाले थे। तो अपने सिवनी जा रहे थे लेकिन शराब के नशे में ऐसी हरकत कर रहे थे। कुछ और जानकारी सर, जो ऐसा कुछ पता लगा हो कि इसके पहले भी कोई वारदात को अंजाम दी हो या कोई बड़ा आगे कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई बड़े घटना को अंजाम देना था इनको? अभी उनसे तस्दीक की जा रही है, पूछताछ की जा रही है उन लड़कों से। अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा तो जल्द खुलासा किया जाए। सर, एक पुलिस की वर्दी भी मिली है पीछे डिक्की में? हाँ, एक पुलिस की वर्दी मिली है। इनके परिवार में एक कांस्टेबल है, ये उसकी वर्दी थी, ऐसा उन्होंने बताया गया। इस समय तस्दीक भी की जा रही है।